एंड वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश. आज हम करने वाले हैं आपका चैप्टर द प्रपोजल बाय एंटन चेकोव. सबसे पहले तो जाओ एंड सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को ताकि बाकी सारी वीडियोज आप आराम से देख सको. अगर हम बात करते हैं ऑथर की तो वो एक रशियन प्ले राइट है और उसके साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी. प्ले राइट यानी कि बेसिकली वो बहुत सारे प्लेज जो है उन्होंने लिखे हैं. तो ये जो चैप्टर आज हम करने वाले हैं द प्रपोजल, ये भी एक प्ले है एंड ये एक पूरे सिंगल सीन में हम इसको स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के उनका नाम लिख दूंगी और उनके बारे में बताऊंगी एंड देन हम इसकी जो समरी है वो शुरू करेंगे. तो इस प्ले के तीन ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं. फर्स्ट है स्टीपन चुबुकोव जो बेसिकली एक लैंड ओनर है. नेक्स्ट है नेटालिया स्टेपनोवा जो बेसिकली इन लैंड ओनर की डॉटर है एंड शी इज 25 ईयर्स ओल्ड. एंड उसके बाद इनके जो नेबर हैं जिनका नाम है इवान लोमोव जो कि एक लैंड ओनर भी हैं. तो ये जो प्ले है इन तीनों कैरेक्टर के अराउंड ही रिवॉल्व करता है एंड अब क्या है इसकी समरी देखते हैं. सो प्ले स्टार्ट होता है चुबुकोव से जो अपने घर के ड्राइंग रूम में आराम से बैठे होते हैं एंड तभी एंटर करते हैं उनका जो नेबर है जिसका नाम है लोमोव. अब जैसे वो अंदर एंटर करता है उसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं एज इफ वो किसी पार्टी में जा रहा हो या किसी स्पेशल ओकेजन में जा रहा हो. उसने ग्लव्स भी पहन रखे होते हैं, एक जैकेट भी पहन रखी होती है तो वो काफ़ी अच्छा दिखता है. एंड जैसे ही चुबुकोव उन्हें देखते हैं तो उन्हें भी ऐसा लगता है कि ये कहीं जा रहा है, किसी कोई स्पेशल ओकेजन है आज, क्या है. तो पहले तो वो उसको वेलकम करते हैं और उसको बहुत ही आप कह सकते हैं मस्का लगाते हैं क्योंकि इस प्ले में दिखाया गया है किस तरीके से जो वेल्दी फैमिलीज़ हैं वो अपने जो फ्रेंडशिप है उसको आगे बढ़ाती हैं एंड ताकि उन्हीं फैमिलीज़ के साथ अपने जो मैरिज रिलेशंस है वो बनाती हैं जो बेसिकली वेल्दी हो ताकि वो एक दूसरे की वेल्थ का फ़ायदा उठा सके. तो यहाँ पे भी हम देखते हैं लोमोव और चुबुकोव बेसिकली दोनों ही काफ़ी अच्छे या काफ़ी रिच लैंड ओनर्स हैं. तो जब लोमोव आता है अंदर तो उसको खूब प्यार से खूब मस्का लगा के बोलते हैं कि कहाँ थे तुम इतने दिन, ये वो. तो नॉर्मल उससे बात करते हैं. देन वो उससे पूछते हैं कि तुम इतने अच्छे तरीके से ड्रेस्ड हो, आज कोई स्पेशल ओकेजन है क्या. तो वो कहता है कि एक्चुअली स्पेशल ओकेजन तो है ही, मैं आपसे आज एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ. तो मीनवाइल चुबुकोव अपने दिमाग में सोचते हैं शायद ये मुझसे पैसे लेने के लिए आया होगा, पैसे मांगने के लिए आया होगा, लेकिन मैं इसको देना नहीं चाहता. आई डोंट इंटेंड टू गिव हिम. बट लोमोव कहते हैं आगे से कि मैं आपकी जो डॉटर नटिल्या है उससे शादी करना चाहता हूँ. तो मतलब वो ही हैज कम टू आस्क हिज डॉटर्स हैंड इन मैरिज. तो बेसिकली ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो प्रपोजल है वो लेकर आते हैं चुबुकोव के लिए. अब जैसे ही वो इस बात को सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है. ऑब्वियसली एक अच्छा लैंड ओनर है एंड ही वॉन्ट्स कि जो उसकी डॉटर है उसकी भी शादी हो जाए एंड ये उनका नेबर ही है तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है. लेकिन लोमोव थोड़ा बहुत डरता है, उसको लगता है कहीं नटिल्या जो है इस बात पे एग्री करेगी कि नहीं, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं. तो जो उसके फादर है वो ये कहते हैं कि नहीं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ऑब्वियसली शी इज़ लव सिक, वो तुम्हारे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी, तुम इतने अच्छे हो, तुम्हारे नेबर हो, तुम्हें हम काफ़ी टाइम से जानते हैं, ये सारी चीज़ें हैं तो तुम्हें इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. देन वो अंदर जाते हैं नटिल्या को बुलाने के लिए. अब नटिल्या जैसे ही बाहर आती है उसे लगता है कि कोई ट्रेड्समैन आया है बिजनेस की बात करने के लिए क्योंकि जो उसके फादर है वो उसको यही बोलते हैं. तो बाहर आके वो देखती है कि उसके जो नेबर लोमोव है वो वहाँ पे बैठा होता है. अब इससे पहले कि वो बात करें, जो लोमोव है उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं. जैसे कि उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि मैं अब 35 ईयर्स ओल्ड तो हुई एंड मैं छोटी छोटी बातों पे अपसेट भी हो जाता हूँ एंड वो काफ़ी प्राउड फील करता है कि उसने जो प्रपोजल है वो पुट अप किया है. वो ये सोचता है कि नटिल्या एक अच्छी गुड हाउस कीपर तो है ही, उसके साथ साथ एवरेज लुकिंग भी है, ठीक ठाक दिखती है एंड मुझे काफ़ी आई फील वेरी नाइस कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं उसको आज आके प्रपोज करूँगा. एंड बाकी मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि हार्ट पैल्पेशंस हैं, उसके साथ साथ नम फुट है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस मुझे लगता है कि ये जो मेरा डिसीजन था ये काफ़ी अच्छा है. तो लेकिन ये बात बताता नहीं है वो अभी तक नटिल्या को. तो जब नटिल्या आती है वो देखती है उसके नेबर है तो वो कहती है कि आई एम सो सॉरी, मेरे कपड़े जो है, मेरे जो एप्रन है थोड़ा ख़राब है, प्लीज़ माइंड मत करना, मैं काम कर रही थी. तो वह कहता है नहीं नहीं इसमें कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है, इट्स ओके. तो यही पूछती है कि मतलब इतने टाइम वो बाद आया, हाउ इज़ ही एंड ऑल. तो उनके बीच में एक कैजुअल डिस्कशन जो है वो होती है. देन अभी तक लोमोव उसे बताता नहीं है कि वो उसको प्रपोज करने के लिए आया है फॉर मैरिज.
तो वो ये बोलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ग्लैड है कि उन दोनों की जो फैमिलीज़ हैं हमेशा से या स्टार्टिंग से ही एक दूसरे के साथ अच्छा उनकी अच्छी टर्म्स में है उनके रिलेशंस, एंड हमेशा से ही वो एक दूसरे पे ट्रस्ट भी करते हैं एंड फ्रेंड्स भी हैं, इसलिए वो काफ़ी ब्लेस्ड फील करता है कि जो उनकी फैमिलीज़ हैं काफ़ी अच्छी हैं एक दूसरे के साथ। देन वो इन्हीं बातों में कहता है कि एंड मुझे याद है कि तुम्हारे बर्कवुड्स के साथ ही मेरा जो ऑक्सन मेडोज है वो भी है। एंड ये तरीके की बात जब वो शुरू करता है तो नटेलिया से रोकती है, वो कहती है कि एक्सक्यूज मी, योर ऑक्सन मेडोज मतलब? तो बेसिकली ऑक्सन मेडोज लैंड है जिसकी ये बात हो रही है यहाँ पे। तो लोमोव कहता है ये जो पर्टिकुलर लैंड है ये उसका है, ठीक है। एंड नटेलिया कहती है कि ये बिल्कुल गलत बात है, ये जो लैंड है ये उसकी फैमिली ओन करती है। तो अब उन दोनों के बीच में इस चीज़ को लेकर एक हीटेड आर्ग्यूमेंट जो है वो शुरू हो जाती है। अब दोनों लड़ने लगते हैं। तो लोमोव कहता है कि हाँ ये जो लैंड है वो मेरी फैमिली का है, एंड नटेलिया कहती है नहीं तुम गलत कह रहे हो, ये जो लैंड है वो मेरी फैमिली का है। अब दोनों ही अपनी अपनी जस्टिफिकेशंस देते हैं इसके लिए। तो लोमोव समझाता है कि हाँ देखो ये मेरी ही है, अब मैं बताता हूँ कैसे। तो बेसिकली मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर है उन्होंने ही तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर के पीजेंट्स को ये जो मेडोज हैं फ्री में यूज़ करने के लिए दी थी। अब देखो यहाँ पे इतना बड़ा रिलेशन जानबूझ के दिखाया है कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो वो कहता है कि इसीलिए ये तो मेरी ही हुई, हाँ थोड़ी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी ये, बट अब ये जो ऑक्सन मेडोज हैं ये मेरी है, मेरी फैमिली की हैं। तो नटेलिया कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया, ऐसा नहीं है, ये जो मेडोज हैं पहले भी हमारी थी एंड अभी भी हमारी हैं, ये तुम्हारी नहीं है। अब दोनों अपनी अपनी बातों को प्रूव करने लग जाते हैं और रैशनल थिंकिंग से बिल्कुल अलग होके बहुत बड़ी जो आर्ग्यूमेंट है उनके बीच में शुरू हो जाती है एंड दोनों लड़ने लग जाते हैं। मीनवाइल लोमोव भूल जाता है कि वो यहाँ पर प्रपोज करने के लिए आया है नटेलिया को, लेकिन वो यहाँ से उससे लड़ने लग जाता है एंड दोनों एक दूसरे को खूब ज़्यादा बुरी तरीके से बेइज्जती करते हैं एक दूसरे की। तो इस बिटवीन क्या होता है कि जो नटेलिया के फादर है चुबुकोव वो भी बीच में आ जाते हैं एंड जैसे ही वो इस आर्ग्यूमेंट को एंटर करते हैं तो ये जो आर्ग्यूमेंट है और भी ज़्यादा वर्स हो जाती है। अब तीनों जो है आपस में लड़ने लगते हैं, क्वारल करने लगते हैं। लोमोव एक तरफ हो जाता है एंड चुबुकोव और उसकी जो डॉटर है वो एक तरफ। तो एक तरफ वो कहते हैं ये लैंड हमारा है, ये मेडोज हमारी है, और वो कहते हैं कि ये मेरी है। अब इतनी ज़्यादा कर्सिंग, इतनी ज़्यादा क्वारलिंग, इतनी लड़ाई होने लग जाती है दोनों इन दोनों ग्रुप्स के बीच में, मतलब उसके फादर एंड नटेलिया एंड लोमोव के बीच में, कि वो बेसिकली उसको सुनाते सुनाते कर्स करते करते लोमोव को घर से बाहर जो है निकाल देते हैं। अब मीनवाइल जो उसके फादर है यानी कि जो चुबुकोव है उनके मुँह से ये बात निकल जाती है अनइंटेंशनली कि बड़े आए थे तो मेरी बेटी को प्रपोज करने के लिए। एंड जैसे ही नटेलिया इस बात को सुनती है वो इमीडिएटली रिग्रेट करती है कि उसने उसको घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये उसको शादी के लिए प्रपोज करने के लिए आया है। तो ये अपने फादर को कहती है कि आप उसको घर के अंदर वापस बुलाओ, एंड उसको रिग्रेट होता है कि उसने इस तरीके से बिहेव किया। लेकिन जो उसके फादर है उसको लगता है कि ये अच्छी बात है, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, अब मैं अपनी बेटी की साइड ले रहा हूँ, एंड उसने अब ये बात सुन ली तो ये उसकी तरफ हो गई, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। तो वो अपने आप को कर्स करता है कि वो एक ग्रोन अप डॉटर के फादर है, तो उसको ऐसा लगता है। अब जैसे ही वो उसको अंदर लेकर आते हैं वापस से, तो जो नटेलिया है वो ट्राई करती है वो किसी और चीज़ के बारे में बात करें। एंड मीनवाइल लोमोव को बेसिकली थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट होने लग जाती है, उसका जो हार्ट है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो पाउंड करने लगता है। अब नटेलिया कोशिश करती है कि वो किसी और के बारे में बात करें, जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाए। तो होता क्या है, बेसिकली नटेलिया बात करने लग जाती है शूटिंग की, एंड बीच में ही इन्हीं बातों को करते करते दोनों वापस से जब बात करना शुरू कर देते हैं नॉर्मली, तो नटेलिया कहीं ना कहीं ये बात बोलती है कि उसका जो डॉग स्क्वीज़र है वो बहुत ज़्यादा बेटर है फ्रॉम लोमोव्स डॉग जिसका नाम है गैस। अब दोनों के बीच में इस बात को लेकर फिर से जो लड़ाई है वो शुरू हो जाती है। एक कहता है कि नहीं जो मेरा डॉग है वो अच्छा है, तो दूसरे कहती है जो मेरा डॉग है वो अच्छा है। अब दोनों में फिर से एक बहुत ही ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट जो है वो होने लग जाती है। अब मीनवाइल क्या होता है, जब ये आपस में लड़ रहे होते हैं उनके फादर फिर से आते हैं एंड ये सारी की सारी चीज़ें हो रखी होती हैं, तो लोमोव का जो दिल है वो बहुत तेज़ी से पाउंड करने लग जाता है एंड वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है।
एंड इन्हें लगता है कि लोमोव जरा भी मूव नहीं कर रहा, तो मे बी ही इज डेड. लेकिन फिर भी ये उसको कर्स करना, गाली सुनाना, या आप कह सकते हैं क्वारल करना, लड़ना बंद नहीं करते. लेकिन अब जब उनको नजर आता है फाइनली कि ये अनकॉन्शियस है, तो वहाँ पे रिटेलिया चुप हो जाती है एंड हल्की सी बॉडी मूवमेंट करता है जब लोमोव, तो उनको लगता है नहीं नहीं ये डेड नहीं है, ये अलाइव है, एंड उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, बट उसमें वो अनसक्सेसफुल रहते हैं. बट फिर भी किसी ना किसी तरीके से लोमोव को होश आ जाता है, एंड जैसे उसको होश आ जाता है रिटेलिया खुश होती है कि चलो फाइनली इसको जो होश है वो वापस आ गया है. तो अब चुबुकोव जब ये देखता है कि फाइनली ये भी होश में आ गया एंड अब जो लड़ाई है वो यहाँ पे बंद हो चुकी है, तो वो फटाफट से क्या करता है, वो लोमोव का हैंड लेता है एंड देन उसके बाद वो लेता है अपनी डॉटर का हैंड एंड उसकी हैंड पे प्लेस कर देता है एंड जो लोमोव है ही किसेस हिज डॉटर्स हैंड. तो अब ये फाइनली उसको बता देता है कि हाँ ये भी अप्रूव करता है इन दोनों की मैरिज को इस जेस्चर से. एंड अब वापस से जब ठीक होने लग जाता है सब कुछ, जब वो वापस से आराम से बैठने लगते हैं, तो बहुत ही चाइल्डिश वे में बोलती है नटेलिया कि लेकिन तुम्हें एडमिट तो करना ही पड़ेगा कि जो मेरा डॉग है वो तुम्हारे डॉग से मच मच बेटर है. एंड फिर से जब ये बात वो बोलती है तो उनकी जो लड़ाई है वो शुरू हो जाती है एंड वो लड़ते रहते हैं एंड जो प्ले है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है जब चुबुकोव कहता है कि शैंपेन लेके आओ, बेसिकली एटलीस्ट सेलिब्रेट करो, ये बेवकूफ तो भूल ही चुके हैं कि ये एक दूसरे बेसिकली एक दूसरे के साथ शादी होने वाली है इनकी, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए, सो ब्रिंग शैम्पेन एंड हम सेलिब्रेट करेंगे. तो यहाँ पे ये जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है. तो ये तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्ले था जिसकी मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट समरी बताई कि इसका मेन आप कह सकते हैं जेस्ट क्या था, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से दो फैमिलीज़ के बीच में यहाँ पे लड़ाई होती है. ये जो प्रपोज़ल है वो लड़ाई के टाइम पे इसको भूल जाते हैं, बट देन वापस से जब इस प्रपोज़ल को वो लेकर आते हैं, वापस से इसकी बात होती है, फिर से वो लड़ने लगते हैं. एंड शुरू हुआ था ये प्ले किस नोट पे, जब लोमोव आता है घर पे बहुत आराम से प्रपोज़ल के साथ, एंड एंड हुआ है ये उस एंड पे जहाँ पे वो फिर से लड़ते हैं. तो ये जो लड़ाई है ये कंटिन्यू रहेगी या ये नहीं रहेगी ये तो हमें नहीं पता, बट यहाँ पे बताया गया है कि ये जो दोनों हैं, चाहे वो लोमोव हैं चाहे वो उसके साथ साथ नटेलिया हैं, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश हैं इस तरीके में कि वो छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं. तो शायद वो कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ रहने की, एंड किस तरीके से उनमें लड़ाई होती है एंड किन पिटी थिंग्स पर लड़ाई होती है, किन पेटी थिंग्स पर लड़ाई होती है वो हम देखते हैं यहाँ पे. सो ये तो थी इस प्ले द प्रपोजल की समरी. अब इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके डायरेक्टली रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि एक डायलॉग आएगा वो आपको बेसिकली उसके बारे में लिखना होगा. 3 मार्कर्स आएंगे, कोई भी डायलॉग आ सकता है किसी का भी, आपको वहाँ पे पहचानना है कि फर्स्टली ये किसने बोला है, सेकेंडली ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, एंड इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा प्ले है. तो आई रिकमेंड यू कि आप इसको एक बार आराम से बैठ के पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कौन सी लाइन किसने बोली है. आपको रटना नहीं है, बट डेफिनेटली अब जब मैंने आपको समरी बता ही दी है तो आपके लिए इस प्ले को पढ़ना आसान हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इस वीडियो में मैंने आपको बताया द प्रपोजल प्ले की समरी, इसके ऑथर के बारे में, एंड बताया इसमें से क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे. सो नाउ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग.